परिवार अगर आपका साथ ना दे तो क्या होगा? आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आपके साथ क्या हो जाएगा। महादेव इस वीडियो में क्या बताते हैं, उनके अच्छे उपदेशों को हम आपको बताएंगे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सच्चे इंसान हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। महादेव इस वीडियो में क्या बताते हैं मैं आज आपको बताऊंगा। मैं रोजाना ऐसे ही रोज मोटिवेशनल कहानियां लेकर आता हूं, जिसे आप जीवन में सक्सेसफुल कह सकते हैं, और मैं आपकी सहायता हमेशा करता रहता हूं। इसीलिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मुझे भी कुछ मोटिवेट करिए, जिससे मैं आपके लिए रोजाना नया नया वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया ढूंढ ली नहीं मिला सुकून का ठिकाना, घर ये है सबसे आसियाना, सारे शहर भटक कर अब बैठाना, सारा समय घर के साथ बिताना। दुनिया में आपको बहुत सारे इंसान ऐसे मिल जाएंगे जो अपने ही परिवार को बनाने के लिए अपनों से ही दूर जाना पड़ता है। बहुत लोग कई कोसों तक दूर रहते हैं, पैसों की कोई कमी होती है, किसी की जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए दोस्तों वह बाहर जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने परिवार में खुश रहे, अपने परिवार में, अपने परिवार के साथ आए और खुशी खुशी दिन बिताए, क्योंकि परिवार ही ऐसा एक चीज है जहाँ पर हमको दुख सुख, दुख तो नहीं मिलता लेकिन सुख जरूर मिलता है। कितना भी दुख हो लेकिन सुख आपको मिल ही जाता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि अगर आप अभी परिवार में तो आपका अच्छा नसीब है कि आप अभी परिवार में। जो लोग परिवार से वंचित हैं उनसे पूछिए कि परिवार क्या होता है। महादेव कहते हैं बस अपनों का साथ हर पल अपने पास हो, दूर रहने भी अपने का एहसास हो। आपने दुनिया में बहुत सारे इंसानों को देखा होगा कि कई इंसान बाहर जाते हैं कमाने, लेकिन वे अपने परिवार के बिना नहीं रह पाते हैं। इसीलिए वे अपने परिवार को भी साथ लेकर जाते हैं ताकि वे अच्छे से रह सकें और अपने परिवारों का पालन पोषण कर सकें। दोस्तों अगर आप भी बाहर हैं और अपने परिवार के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो अपने परिवार को एक बार अपने पास बुलाकर देखिए, आपका जीवन और भी सरल रहेगा। महादेव कहते हैं हर जरूरत पूरी कर देता है लोगों में मेरे लिए रह लेता, परिवार ही तो है जो मुझे अपना। दोस्तों आपको बहुत सारे इंसान ऐसे मिलेंगे जो आपको परिवार जितना प्यार देंगे, लेकिन वह इंसान सच्चा हो सकता है या बुरा हो सकता है, यह आप अनुमान नहीं ले सकते। परिवार ही एक ऐसा चीज है जिसे आप आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं कि यह मेरे साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे। दोस्तों हाँ ये सही बात है कि परिवार आपका साथ हमेशा देता है। इसीलिए दोस्तों आप बाहर की अंधों में मत रहिए और अपने घर में जो भी चीजें हैं, जो लोग हैं, उनके साथ आइए, आपका जीवन बहुत बेहतर से गुजरेगा। महादेव कहते हैं गम में वो आंसू पोछे उसे में साथ मुस्कुराएं, परिवार भी है तो ऐसा जो फर्ज है। परिवार एक ऐसा चीज है जो इंसान को रोने भी नहीं देता, क्योंकि वह इंसान कितना भी दुखी हो परिवार उसका साथ नहीं छोड़ता, और परिवार हो तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दुख में तो बाहर वाले छोड़ जाते हैं, जब परिवार भी छोड़ देगा तो आप किसी के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आप परिवार के ही हमेशा अच्छे हैं। महादेव कहते हैं जोड़े रखती है वो हर ककड़ी, परिवार में है वो सबसे बड़ी, डरते हैं घर में सभी उनसे क्योंकि दादी के हाथ में रहते हैं। दोस्तों हर परिवार में एक एक दादी माँ होती है जिन्हें घर का मुखिया कहा जाता है। अगर घर में एक मुखिया ही ना रहे तो घर में परिवार का बिखर जाना असंभव हो जाता है, जिसे घर में एक मुखिया जरूर होता है जो परिवार को एकजुट बनाए रखता है और अच्छे से संचरण करता है। महादेव कहते हैं जोड़े रखती है वो हर कड़ी, परिवार में है वो बच्चे बड़े बड़े, डरते हैं घर में सभी उनसे क्योंकि दादी के हाथ में, और मुखिया होना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि घर का मुखिया एक ऐसा है जो आपके